वालेकुम व्यूअर्स आज मैं आपको पिंक टी बनाने का बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी जिससे आपकी पिंक टी बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और बड़ी आसानी से तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रही पिंक टी में असल टेस्ट लाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है हरी इलायची मोटी इलायची बाद का फूल और दारचीनी का दो इंच का टुकड़ा छः दम हरी इलायचियाँ लेंगे दो बड़ी इलायचियाँ लेंगे एक दो इंच का दारचीनी का टुकड़ा लेंगे और एक फूल लेंगे बदियान का तो इससे हमारी चार कप पिंक टी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी अगर आप दो कप पिंक टी के बनाना चाहते हैं तो भी इसी फार्मूले को हाफ कर लीजिए तीन हरी इलायची एक मोटी इलायची एक इंच का टुकड़ा दारचीनी का और आधा बादियान का फूल ये टुकड़ा थोड़े छोटे बड़े हो गए लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो इनको बराबर कर लें अब हम इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और इन्हें ग्राइंडर में डाल के हल्का सा क्रश कर लेंगे बहुत ज़्यादा बारीक पीस कर इनका पाउडर नहीं बनाना बस इस तरह से हमने इनको क्रश कर लेना है अब हम इसे स्पून में डाल कर चेक कर लेते हैं ये देखिए वन टी स्पून फुल मसाले का है और ये हरी इलायची के साथ छिलके हैं पिंक टी के टेस्ट का ये सीक्रेट है इसी रेशो से आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट वाली आपकी पिंक टी बनेगी और इसी तरह से आप बनाकर इसको किसी जार में छः से आठ माह के लिए महफूज भी कर सकते हैं मैंने पिंक टी का मसाला बनाकर जार में महफूज कर रखा है वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ ये देखिए ये मोटे मोटे पिसे हुए हरी इलायची के छिलके हैं ये दारचीनी है ये मोटी इलायची के छिलके हैं और ये बायान के फूल के पीस हैं बदियान का फूल जल्दी बिस जाता है किसी भी एयरटाइट जार में आप बनाकर महफूज कर सकते हैं तो अब हम इसी मसाले से चाय बनाना स्टार्ट करते हैं यह है पिंक टी की जान पिंक रोज कलर ये फूड कलर है और ये पिंक रोज फूड कलर है ये भी पिंक टी में इस्तेमाल होगा लेकिन अभी नहीं आखिर में अब हम अपने पैन में पाँच कप दूध के डालेंगे अगर तो दूध पतला है तो आप पाउडर दूध से उसको गाढ़ा कर लें और अगर आपके पास पैकेट का दूध है तो बहुत ही ज़बरदस्त है कोई सा भी फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करें तो उससे चाय बहुत ज़बरदस्त बनेगी दूध गर्म होना शुरू हो गया है अब हम इसमें एक टी स्पून फुल मसाले का डालेंगे साथ ही हम थोड़े से हरी इलायची के छिलके भी डाल लेंगे तो इससे खुशबू बहुत अच्छी होगी अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉयल होने तक ढक देंगे जब दूध उबलना शुरू हो जाएगा तो हम इसे मज़ीद दो तीन मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेंगे और आंच हल्की करके इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और ये मसाले दूध में हल्की आंच पर दस मिनट तक अच्छे तरीके से पकते रहेंगे अब मरहला आ जाता है पिंक टी को पिंक करने का तो अब हम इसमें अपना पिंक रोज कलर डालेंगे फूड कलर है ये और बहुत थोड़ा सा शामिल करना है तो पहले हम तकरीबन एक चुटकी इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम बिल्कुल बहुत थोड़ा सा दोबारा इसमें डालेंगे और इसको दोबारा अच्छे से फेंट लेंगे एक ही बार में ज़्यादा कलर शामिल नहीं करना कि ये ना हो वो दूध जामे श्री बन जाए बहुत थोड़ी थोड़ी मकदार में शामिल करें एक बार डाल लें दो बार डाल लें तीन बार डाल लें लेकिन कलर तेज़ नहीं होना चाहिए ये देखिए हमारी पिंक टी का कलर कितना बेहतरीन पिंक आ गया है इससे ज़्यादा हमें इसमें कलर शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं अगर पसंद हो तो आप इसमें एक चुटकी नमक की भी शामिल कर सकते हैं अब हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी शामिल कर लेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे अब हमारी पिंक टी रेडी है अब हम इसे अपने टी पॉट में निकाल लेते हैं अब हम इसे बड़ी एहतियात से टी पॉट में डालेंगे और सर्व करेंगे अब मेकअप में डाल के आपको चेक करवाती हूँ कि आप देखिए और बताइए कि पिंक टी कैसी बनी और आपको कैसी लगी साथ ही मैंने कुछ पिस्ते और बादाम बारीक चॉप करके रखे हुए हैं वो भी इसके ऊपर डालूंगी इससे पिंक टी का लुत्फ दोबाला हो जाएगा अगर आपको मेरी पिंक टी की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अल्लाह हाफिज़